Good morning, friend Now welcome in your bio class. So from today we will start practical. Two practical. I will uh, demonstrate you two practical. After that complete some portion of biotechnology, which is including prelims, one exams. So before uh, start uh, your videos, we just again uh, instruct you: COVID nineteen behavior. Wear mask. Secondly. डोंट अवॉइड टू गो इन क्राउडेड प्लेस थर्ड यूज सैनिटाइजर टाइम टू टाइम सो टू डेज प्रैक्टिकल इज इट इज़ कोर एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशंस आपको इस प्रैक्टिकल में पॉलन जर्मिनेशन किस तरीके से होता है क्या क्या आप उसमें ऑब्जर्व करते हो इसके इस्टी करनी है ठीक है ऑब्जेक्टिव्स क्या है सबसे पहले किसी भी प्रैक्टिकल में सबसे फर्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव कि किस लिए आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी पॉलन जेमिनेशन ऑन स्लाइड ये आपका ऑब्जेक्टिव है थ्योरी कि व्हाट इज थ्योरी में क्या लिखना है कि इसमें टर्म्स को डिफाइन करना है फॉर एग्जांपल्स पॉलन जेमिनेशन के स्लाइड uh, फॉर्म करनी है यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशंस सो थ्योरी में आएगा पॉलिनेशन सो पॉलिनेशन Uh, क्यों इम्पोर्टेंट है पॉलिनेशन का क्या डेफिनेशन uh, है द पॉलीनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर मीन्स पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है एक फ्लावर uh, से दूसरे, दूसरे फ्लावर या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ठीक है इट इट इज मेडिटेड बाय ए बायोटिक और बायोटिक मीन्स क्लियर ए बायोटिक मीन्स द पॉलन इज नॉट कैरिड बाय ऑर्गेनिजम्स बट थ्रू मीन्स सच एज विंड और वाटर बायोटिक पॉलिनेशंस ऑकर थ्रू एजेंट लाइक एनिमल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर पॉलिनेटेड थ्रू बायोटिक पॉलिनेशन मतलब कहने का सेंस यह है कि जो पॉलिनेशन के प्रोसेस है वो ए बायोटिक हो सकती है बायोटिक हो सकती है ए बायोटिक में विंड वाटर आएगा ठीक है विंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे लाइक इंसेक्ट्स बर्ड्स एनिमल ठीक है तो ज़्यादातर जो पॉलीनेशंस होता है किसके थ्रू होता है बायोटिक पोलिनेशंस किसके थ्रू हो रहा है बायोटिक के थ्रू हो रहा है ठीक है लेट्स से हाउ टू पोलन जेमिनेट तो पोलन जेमिनेशंस में एक पोलन ट्यूब फॉर्म होगी पोल ट्यूब फॉर्म होगी तो वो पोलन ट्यूब को ही एक्चुअली वो पोलन ट्यूब ऑब्जर्व भी होती है माइक्रोस्कोप में तो पोलन ट्यूब किस तरीके सो स्टूडेंट पोलन ट्यूब्स कैसे फॉर्म होनी है इन फ्लावरिंग प्लांट्स हाउ विल द ओबियोस आर कंटेंट विद इन आ होलो ऑर्गन कॉल्ड आ पिस्टल्स अब इसमें आप याद करो कि पिस्टल्स का किस तरीके से एक फॉर्मेशन होता है कोई जो पिस्टल होता है उसमें क्या होता है स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है और ओबरी होती है और इसकी स्टाइल कैसी होती है ब्लैंक होती है ठीक है स्टिग्मा की जो स्टाइल होती है कैसी होती है बीच में होलो होती है उसी के अंदर ही पॉलन जर्मिनेशन होगा ठीक है तो जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई और स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ गए अब क्या होगा द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स बिगेन बाय एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द पॉल ग्रेन्स प्रोड्यूस अ टीनी और टाइनी पॉलन ट्यूब्स पॉलन ग्रेन्स जैसे स्टिग्मा पर आए उन्होंने स्टिग्मा पे वाटर को एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया और जो पोलन uh, ग्रेन्स होते हैं पोल ग्रेन्स की टू मेम्ब्रेन uh, होती है एग्जाइन और इंटाइन तो जो इंटाइन रहती है वो पोलन ट्यूब्स फॉर्म करती है और एग्जाइन को रप्चर करते हुए वो निकलेगी इसके जगह पर जम्स पोल की जगह से ठीक है कहाँ से वो निकलेगी जम्स पोल की ठीक है तो क्या होगा पोलन ट्यूब्स प्रोसे ग्रेन्स प्रोड्यूस आर टाइनी पोलन ट्यूब्स थ्रू द स्टाइल टू द ओबरी और वो स्टाइल से ग्रो ऑन करते हुए ओबरी तक आ, क्या होगी पास होगी ओबरी ओभरी तक जाएगी द ट्यूब सेल एंड लार्ज इनकम आउट इन पोलन ग्रेन्स थ्रू द जम्स पोल और उसके साथ जो ट्यूब सेल है वो भी पास uh, आउट होगा किससे ट्यूब सेल पास आउट होगा थ्रू पॉलन जम्पोल और वो पॉलन ट्यूब्स पर जाएगा द ट्यूब्स न्यूक्लियस डिस टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब्स अब ये आ गया ये जस्ट से दिस इज द दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस दिस इज जनरेटिव सेल्स दिस वन इज एक्साइन एंड इनर वन इज इंटाइन सो इंटाइन इज ग्रो लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और दोनों ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस पास आउट हो जाएंगे पॉलन ट्यूब्स में ठीक है जिसमें जो जनरेटिव जो सेल है वो मेल गैमिट्स फॉर्म करेगी ठीक है और ट्यूब जो न्यूक्लियस uh, है वो आगे पास आउट होगा तो इस तरीके से आपको दो सेल्स मिलेंगी जम्स गैमिट्स मेल गैमिट्स और ट्यूब न्यूक्लियस क्लियर द ग्रोइंग ट्यूब्स आर ट्रांसफॉर्म इट्स सेल्फ इन टू अड्स वी कैन स्टमुलेट पॉलन जेमिनेशन इन विट्रो और इसको हम ये तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्लावर में हो रही है बट इनको हम विट्रो मीडिया पर भी देख सकते हैं विट्रो मीडिया पर भी इसको चेक कर सकते हैं ठीक है विट्रो मीडिया मीन्स इन लैब पर तो किसकी हेल्प से एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम की हेल्प से ठीक है बेटा तो इसमें क्या क्या आपने सीखा स्टूडेंट अंडरस्टूड द टर्म्स पॉलिनेशन स्टूडेंट अंडरस्टूड हाउ पॉलन जर्मिनेट थर्ड स्टूडेंट्स टू दिस एक्सपेरिमेंट बेटर इन लैब में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो बस इसमें एनिमेशन और सिम्यूलेशन्स के थ्रू भी आप इसमें देख सकते हो तो ये आपका एक प्रैक्टिकल हो गया इट इज़ पॉलन जेमिनेशन तो पॉलन जेमिनेशन में थ्री पॉइंट्स आपके आएंगे फर्स्ट आएगा एम आ, आ जाएगा फिर थ्योरी आ जाएगी रिक्वायरमेंट आ जाएगा प्रोसीजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोसीजर नहीं लिखना है इसमें प्रोसीजर तो आप खुद कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में क्या आ गया कि पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्कोप स्पोर इज इस अ फर्स्ट सेल ऑफ़ मेल गेमिटोफाइट ये फर्स्ट सेल है सेकेंड मेल, मेल गेमिटोफाइट इज क्या है द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट टू प्रोशियस इट्स बिगेन इन साइड द स्पोरेंजियम और पोलन सेक मीन्स थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है कि किस तरीके कि से पोन का स्ट्रक्चर जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं लार्ज ट्यूब्स क्या होते हैं वेजटेटिव सेल्स क्या होते हैं ठीक है रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट में आपने सीजनल फ्लावर कोई भी ले लेना है स्लाइड कवर स्लिप माइक्रोस्कोप सुक्रोज बोरिक एसिड ये सुक्रोज बोरिक एसिड मैग्नीशियम सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट्स और ये बीकर ये आपको एक सिमुलेशन uh, भी आता है एक सिमुलेशन प्रोसेस में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं इन दिस टाइम इसमें सिमुलेशन नहीं चल रहा अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सिम्यूलेशन ठीक है फिर प्रोसीजर तो आपको पता ही है एक आपको न्यूट्रिय सोल्यूशन प्रिपेयर करना है न्यूट्रिय सोल्यूशन कैसा होगा उसमें टेन ग्राम सुक्रोस टेन ग्राम बोरिक एसिड थर्टी ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट एंड ट्वेंटी ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो हम केमिस्ट्री लैब से लेकर उसको हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर पर डालेंगे ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एक न्यूट्रिय हो जाएगा फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन को लिया क्लीन स्लाइड पर और उसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स को डस्ट करके डाल दिया मतलब उसको पोर कर दिया इसी न्यूट्रिय सॉल्यूशन पर ठीक है और इसके बाद क्या कर किया कि उसकी आफ्टर फाइव मिनट पाँच मिनट के बाद आपको हम उसकी स्लाइड बनाएंगे और जब ऑब्जर्व करते हैं तो तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो जो है एक छोटे छोटे से एक ट्यूबलाइट की स्ट्रक्चर दिखाई देगा दिस इज़ एक्चुअली पॉलन जेमिनेशन वो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर -like को ही शो होना चाहिए वही एक्चुअल पोल जेमिनेशन है ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे इन न्यूट्रेंट्स मीडियम द पोल ग्रेन्स जमिनेट अब आपको क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि न्यूट्रेंट्स मीडियम में जो भी आपने मटेरियल डाला है वो बेसिकली पोलन ग्रेन्स के लिए पोलन जेमिनेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है तो ये आपको देना पड़ेगा ठीक है तो इन न्यूट्रेंट्स मीडियम द पोल ग्रेन जमिनेट ट्यूब सेल एंड लार्ज एंड कम आउट द्रू वन ऑफ द जम्पस फॉर्म पोलन ट्यूब जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब्स फॉर्म करती है ठीक है द ट्यूब न्यूक्लियस डिस ऑफ दॉलन ट्यूब और वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब्स के टिप पर दिनरेटिव सेल्स ऑल्सो पास इन इट अब इसके बाद जनरेटिव सेल उसमें पास हुई और ये दो डिवाइड होकर दो मेल गैमिट्स दे रही है कितने मेल गैमिट्स दे रही है ये दो मेल गैमिट्स दे रही है से दिस ये दो मेल गैमिट्स हैं ठीक है दिस वन टू मेल गैमिट्स और ये ट्यूब न्यूक्लियस क्लियर तो ट्यूब न्यूक्लियस किससे फॉर्म हो रहा है ट्यूब न्यूक्लियस बेसिकली जो ट्यूब सेल होती है वो ट्यूब फॉर्म करती है और ट्यूब न्यूक्लियस टिप ऑफ ट्यूब सेल पर आ, शिफ्ट हो जाता है ठीक है जनरेटिव सेल्स पास आउट होकर दो मेल गैमिट्स बना रही है और ये दो मेल गैमिट्स कैसे हैं लेंटिकुलर और इस्फेरिकल इन आउटलाइन ये स्पेरिकल हो सकते हैं और कुछ जम गैमिट्स या तो लेंटिकुलर होंगे लेंटिकुलर से ये इस्फेरिकल हो जाएंगे ठीक है तो इसने दो जम्स गैमिट्स फॉर्म कर दिया ये जम्स गैमिट्स आगे जाके क्या होंगे डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे क्लियर ये जम्प्स जो है टू जम्प्स बन रहे हैं गैमिट्स बन रहे हैं मेल गैमिट्स ये क्या फॉर्म करेंगे ये फॉर्म करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे ठीक है फ्लावर इसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है कि फ्लावर्स फ्रेशली प्लग करना है यूज क्लीन स्लाइड्स और पॉलन ग्रेन्स का हमको ऑब्जर्व करना है तो क्लीन स्लाइड होनी चाहिए ठीक है बेटा तो दीज आर द सम एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर और इट इज ऑलरेडी गिविन इन योर एक्सपेरिमेंट ट तो बुक यदि बुक नहीं भी है तो इस लेसन्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हो ठीक है जम्स पोर क्या होते हैं जम्प्स पोर वो पोर हैं जो बेसिकली जो इंटाइन होती है जगह जगह, जगह पर एग्जाइन सॉरी जगह, जगह जगह पर आ, क्या होती है कंटिन्यू नहीं होती और जो डिसकंटिन्यू पॉइंट होता है दिस इज एक्चुअल जम्स पोर इंटाइन क्या होती है इनर मेम्ब्रेन एग्जाइन बहुत टफ उससे फॉर्म होती है ठीक है तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वॉट इज द शेप ऑफ पॉलन ग्रेन्स इट इज कॉमनली ग्लोबुलर इन आउटलाइन ग्लोबुलर शेप का होता है थ्रू सेवरल और बहुत सारे दूसरे शेप भी होते हैं वॉट इज पैली पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज पैलिनोलॉजी वॉट इज द कम्पोजिशंस ऑफ वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स द पॉलन ग्रेन्स इज मिडअप ऑफ टू लेयर एग्जाइन और इनर लेयर इज कॉल्ड इनटाइन क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इंटाइन इज फैक्टोसेल्यूलॉजिक इन नेचर वॉट इज द केमिकल नेचर ऑफ टू लेर्स ऑफ द वॉल ऑफ द पॉलनग्रिन्स पॉलनग्रीन्स की दो वॉल के नेम बताइए और उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है यू विल से दैट इंटाइन इज फैक्टोसेल्यूलॉजिक इन नेचर एग्जाइन इज मिडअप ऑफ Highly रजिस्टेंस fatty substance is called sporopollen इस्पोरोपोलिन isporopoly, ये टर्म सेंसियाइटी में काफ़ी क्लियरली दिया है स्पोरोपोलिन तो स्पोरोपोलिन uh, किससे फॉर्म है स्पोरोपोलिन एग्जाइंस uh, से exine स्पोरोपोलिन से फॉर्म होता है और इसका एक स्पेसिफिक नेचर है इट इज हाईली रेजिस्टेंस ठीक है हाईली रेजिस्टेंस फैटी सब्सटेंस ठीक है बेटा हाईली रेजिस्टेंस होता तो आसानी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है वॉट इज टैक्टम टैक्टम क्या है इट इज डिसकंटिन्यूस सर्फिस लेयर ऑफ द एक्साइन ऑफ द पॉल ग्रीन वॉल जिसको कि हम लोग स्पोर भी कह रहे हैं ठीक है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्टम टू द टैक्सोनिस्ट इसकी यूटिलिटी टैक्सोनिस्ट के लिए क्या है टैक्सोनिस्ट इसके बेस पर क्या फाइंड आउट करते हैं से इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइड द पोलन ग्रीन्स एंड रिफर दैम टू देअर फेमिली जीनस और स्पीशीज क्लियर की टेक्सोनिस्ट जम्स पोर की हेल्प से पॉलन ग्रीन्स को आइडेंटिफाइड करते हैं उसकी फेमिली जीनस और स्पीशीज जीनस और स्पेशज को वो वेरीफाइड करते हैं सो दिस इज द बेसिकली सम बाय व बेस्ट क्वेश्चन विच कैन कम विच कैन आस्क बायोर टीचर और बायोर एग्जामर्स सो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह आपका कम्प्लीट हो गया है इसको uh, इसको एक्सपेरिमेंट uh, को आपको अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है और इसके अभी मैं एक वीडियो डाल रही हूँ उस वीडियो से इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल प्रोसीजर आप उसको देख सकते हो थैंक यू स्टूडेंट हैव अ नाइस डे